नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के तीन जिलों में बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज विशेषकर नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के अनेक स्थानों में गरज और चमक के साथ कई कई भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। साथ ही विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल 98.09 रुपए और डीजल 90.61 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97.44 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.90 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97.46 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.94 रुपए। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति समीक्षा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 9 से 11:30 बजे तक CM कैंप कार्यालय में रहेंगे। इस दौरान अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों में स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021। भारतीय टीम के खिलाड़ी 4 अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ इवेंट में एक्शन में दिखेंगे। इसमें से भारत के पास रेसलिंग और हॉकी में पदक जीतने का मौका रहेगा। एथलेटिक्स 20 किलोमीटर वॉक में संदीप कुमार, राहुल रोहिल्ला, केटी इरफान का मुकाबला होगा। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर, वहीं रेसलिंग में अंशु मलिक 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में भाग लेंगी। पेगासस पर सुनवाई। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच करेगी। याचिकाओं में सरकारी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों के इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित जासूसी की खबरों के संबंध में जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। राम मंदिर शिलान्यास की सालगिरह। आज अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास की पहली सालगिरह है। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या के साधु संतों ने अपील की है कि लोग अपने घरों और मंदिरों में दीप जलाएं और खुशियां मनाएं। अन्न महोत्सव का आयोजन। उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य की कुछ चुनिंदा उचित दर दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। कांग्रेस विचार मंथन शिविर। उत्तराखंड कांग्रेस के 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का तीसरा और अंतिम दिन आज ऋषिकेश में हो रहा शिविर का आयोजन। मंथन शिविर में राज्य का शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव अभियान पर मंथन कर रहा है। UAE ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत समेत 6 देशों के टीके ले चुके स्वास्थ्य कर्मियों को आज से एंट्री की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया और युगांडा के स्वास्थ्य कर्मियों को भी अमीरात में एंट्री की अनुमति है। यात्रियों के पास उनके देशों में जारी टीकाकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जंगली जानवर फसलों को नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान, कारगर साबित हो रही लिंक फेंसिंग तकनीक। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा में चेन लिंक फेंसिंग तकनीक कारगर साबित हो रही है। चमोली में कृषि विभाग द्वारा नवाचार गतिविधियों के तहत चेन लिंक फेंसिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया। इसके अब अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। कोरोना को हराना है। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय में अभियान का शुभारंभ किया। देहरादून की खुशुमा को पहला टीका लगा। महिला हॉकी टीम की हार पर वंदना के गांव में शरारती तत्वों ने फोड़े पटाखे। सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम की हार के बाद हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के गांव रोशनाबाद में कुछ शरारती तत्वों ने पटाखे फोड़ दिए, जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। देहरादून में फैक्ट्री पर छापा, बड़ी मात्रा में सरसों का तेल जब्त। पटेल नगर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक सरसों तेल में फैक्ट्री में छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम ने तेल के नमूने लिए हैं, अब इसे जांच के लिए भेजा जाएगा। धूल फांक रहे डीप फ्रीजर। खुले में धूल फांक रहे करोड़ों के स्वास्थ्य उपकरण, आंखें मूंदे बैठा विभाग। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां देश भर में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण डीप फ्रीजर खुले में धूल फांक रहे हैं। देहरादून के चंदन नगर स्थित केंद्रीय औषधि भंडार के बाहर करोड़ों रुपए के डीप फ्रीजर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खुले में आज भी पड़े हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स। 41 साल बाद भारत को मिला हॉकी में ब्रॉन्ज, जर्मनी को 5-4 से दी मात। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल पर अपना दावा ठोकने के लिए OI स्टेडियम में जर्मन टीम का सामना करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर दिया है।
सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से हेली सेवा शुरू करने को मिली अनुमति, पर्यटन को लगेंगे पंख। डबल इंजन हेलीकॉप्टर उपलब्ध न होने के चलते राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेली सेवा शुरू करने का आग्रह किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने दो रूटों पर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेली सेवाओं के संचालन को मंजूरी दे दी है। रुद्रप्रयाग पापड़ी के 18 परिवारों पर कभी भी बरस सकता है प्रकृति का कहर, विस्थापन की मांग। तुंगनाथ घाटी की ग्राम पंचायत डैड़ा के पापड़ी तोप के 18 परिवारों पर कभी भी प्रकृति का कहर बरस सकता है। साल 1992 से पापड़ी तोप के निचले हिस्से में हो रहे भू धसाव के कारण तोप के 18 परिवार 29 साल से विस्थापन की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर से 18 परिवारों को सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले हैं। यदि समय रहते पापड़ी तोप के ग्रामीणों का विस्थापन नहीं हुआ तो भविष्य में भारी जनहानि होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप किए बच्चों को दी प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड में CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को DSB स्कूल के संस्थापक ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सम्मानित किया। साथ ही मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई ताकि उनका हौसला और बढ़ा सके। मुआवजा न मिलने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ज्ञानशु ज्ञानजा मोटर मार्ग निर्माण में काटी गई खेती भूमि। मुआवजा न मिलने पर भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम सभा साल्ड और ज्ञानजा की ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साल्ड और ज्ञानजा के ग्रामीण ढोल दमाओं के साथ हाथ में बोरे लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग से आज दो अभी दो अनाज दो या मुआवजा दो के नारों के साथ मुआवजे और सड़क सुधारने की मांग की। गणेश जोशी ने जिला उद्योग केंद्र का किया औचक निरीक्षण, जांचे अटेंडेंस रजिस्टर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को पटेल नगर स्थित जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्यव्यवस्था का भी जायजा लिया, साथ ही उन्होंने हिमाद्री एम्पोरियम पहुंचकर यहां के उत्पादों को देखा। बीजेपी MLA राठौर टेप केस में नया मोड़, महिला ने मुकदमा लिया वापस, बताया गुरु तुल्य। भाजपा विधायक सुरेश राठौर के महिला नेता से दुष्कर्म के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। भाजपा विधायक सुरेश राठौर को कुछ दिनों पहले तक बलात्कारी बताने वाली भाजपा नेत्री अब उन्हें गुरु तुल्य बता रही है। इतना ही नहीं, महिला ने 31 जुलाई को अपना केस भी वापस ले लिया है। मुंबई से उत्तराखंड घूमने आई दो लड़कियां और एक युवक गंगा में डूबे, सर्च ऑपरेशन जारी। मुनि की रेती थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। तपोवन के पास एक होटल के नीचे गंगा की तेज धारा में तीन लोग बह गए। बताया जा रहा है कि ये लोग मुंबई से उत्तराखंड घूमने आए थे। डूबने वालों में दो लड़कियां और एक लड़का शामिल है। अभी तक तीनों का कुछ नहीं पता चला है। पुलिस की टीम तलाश में जुटी हुई है। चमोली, गहरी खाई में गिरा ट्रॉला, हादसे में चालक की मौत। चमोली के थराली के नया बरगढ़ परखाल डोंगरी मोटर मार्ग पर रैगांव के पास तालोड़ बैंड पर एक ट्रोला दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रोला चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जागेश्वर धाम विवाद, सांसद धर्मेंद्र कश्यप को मिला पुजारियों का साथ, बोले अभद्रता नहीं की। धर्मेंद्र कश्यप भाजपा के दूसरी बार आंवला लोकसभा सीट से सांसद हैं। आंवला लोकसभा सीट में बदायूं और बरेली का क्षेत्र आता है। दरअसल सांसद धर्मेंद्र कश्यप उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए गए थे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के नाम पर प्रबंधन कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं से ₹1,000 की वसूली की बात सांसद के सामने आई। इस बात को लेकर सांसद और प्रबंधन कमेटी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस नोकझोंक का किसी ने वीडियो चुपके से बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।